हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आईब्रो करना और आईब्रो में शेप देना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईब्रो करना सीखना चाहती हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आईब्रो करना शुरू करते हैं। आज मैं आपको आईब्रो करना बताऊँगी। फ्रेंड्स, आप यहां पे देख रहे हैं आईब्रो बहुत ही ज़्यादा घनी हैं और फुल ग्रोथ की हैं। तो मैं आपको आईब्रो में शेप देना बताऊंगी बहुत ही सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स, आईब्रो करने के लिए सबसे पहले हम आईब्रो के ऊपर के बाल जो सीधे होते हैं कैंची से हम कट कर लेंगे। तो यहां पे मैंने छोटी कैंची ली है और कैंची को हम सीधे ही रखेंगे। ऐसे हमें बाल कट कर लेने हैं। ये मैंने यहाँ पे बाल कट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बाल कट कर दिए हैं। अब इसके बाद में हम आईब्रो पे पाउडर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो पे पाउडर लगा दिया है। ऐसे आपको पाउडर लगा लेना है आईब्रो करने से पहले। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आईब्रो पे पाउडर लगा दिया है। अब हम यहाँ पे आईब्रो सीधे तरफ वाली आगे से करेंगे और ये आईब्रो हमें पीछे से करनी होती है क्योंकि इसकी ग्रोथ बालों की इस तरफ है और इस आईब्रो की ग्रोथ इस तरफ है। तो ये आईब्रो हमें आगे से करनी होती है सीधे तरफ की। तो पहले मैं ये आईब्रो करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आईब्रो के ऊपर के बाल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें धागा लेना है और धागे को हम ऐसे पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से हम आईब्रो करना शुरू करेंगे। यहाँ से हमें ऊपर से बाल निकालने हैं और बहुत ही हल्के हाथ से हमें आईब्रो के बाल निकालने हैं जिससे कि कट वगैरह कुछ ना लगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ के आईब्रो के ऊपर के बाल निकाल दिए हैं और अब हम यहाँ से नीचे से बाल निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आईब्रो को ऐसे पकड़ने को कहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आईब्रो को ऐसे पकड़ लेना है। तो यहाँ पे मैं सीधे हाथ से नीचे से पकड़ना है और जो उल्टा हाथ है ये ऊपर से ऐसे स्किन को टाइट करके ऐसे पकड़ना है जिससे कि यहाँ पे कट वगैरह ना लगे। तो ऐसे यहाँ पे हम पकड़ लेंगे और फिर हम यहाँ से आईब्रो करना शुरू करेंगे। जो एक्स्ट्रा बाल हैं पहले उनको हम निकालेंगे, फिर हम बाद में आईब्रो का शेप देंगे। तो यहाँ से हम निकालना शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ से धागा रखेंगे, इसे ऐसे हमें रखना है और इस कैंची में बाल हमें फंसाने हैं और इसे ऐसे खींचना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप धीरे धीरे जब आईब्रो करेंगे तो आपको अच्छे से आईब्रो करना आ जाएगा। और आईब्रो यहाँ पे हम ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे। आईब्रो को हम टाइट ही रखेंगे जिससे कि भी दर्द भी ना हो। और फिर हम यहाँ के इस साइड के किनारे के बाल निकालेंगे, यहाँ पे सही पकड़ने को कहेंगे। यहाँ पे ऐसे टाइट रखना है। और देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ के बाल निकाले हैं। अब जो एक्स्ट्रा बाल इस साइड में है इनको भी हमें निकालना है। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बाल ही निकाल रही हूँ। इसी तरह हम धागा रखते जाएंगे धीरे धीरे करके और एक एक करके ये बाल निकालेंगे। साथ में हमें ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं, इससे हमारी आईब्रो का शेप भी बिगड़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल निकाल दिए हैं। अब हम आईब्रो में शेप देना शुरू करेंगे। तो शेप देने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से बीच से बाल निकालने होते हैं। तो यहाँ पे हम धागा रखेंगे, यहाँ पे सीधे से धागा रखना है और एक एक करके हमें बाल फंसाने हैं कैंची में। यहाँ के बाल हम निकालेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से हम शेप देना शुरू कर रहे हैं।
और जितनी पतली आपको थ्रेडिंग बनानी है आप वैसे बना सकती हैं। ये देखो फ्रेंड्स, अच्छे से शेप आ रहा है आईब्रो का, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ के आईब्रो के किनारे के भी वाले निकाल देंगे, और हमें ज़्यादा पतली आईब्रो नहीं बनानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आईब्रो बन गई है, देखो इसका बहुत ही अच्छे से शेप आया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इतनी पतली ही आईब्रो रखूँगी, तो आपको इसी तरह से आईब्रो में शेप देना है। और आप इस तरह से धीरे धीरे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आईब्रो करना आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे आईब्रो वाली हो गई है, और ये वाली आईब्रो अब हम करेंगे। तो ये वाली आईब्रो हमें पीछे से करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आईब्रो पे पाउडर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आईब्रो पे पाउडर लगा लिया है, और तो यहाँ पे हम पहले यहाँ ऊपर के आईब्रो के एक्स्ट्रा वाल निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने धागा लिया है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ आईब्रो के ऊपर के बाल निकाल दिए हैं, और अब हम नीचे के निकालेंगे। तो ऐसे हम टाइट पकड़ने को कहेंगे, तो यहाँ पे हमें आईब्रो को ऐसे पकड़ना है, टाइट रखना है। यहाँ से हम आईब्रो बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से हमें धागा रखना है, सीधा धागा ऐसे रखना है, और ये बाल हमें कैंची में ऐसे फंसाने हैं धीरे धीरे करके। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक करके बाल निकालें, जिससे कि आपके आईब्रो बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो पहले हमें एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं, फिर हमें आईब्रो का शेप देना है। तो जो ये आईब्रो में एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं, उनको मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने एक्स्ट्रा बाल निकाले हैं, और हम आईब्रो का शेप देना शुरू करेंगे अब। तो फिर से आईब्रो को ऐसे टाइट पकड़ने को कहेंगे। अब हम यहाँ से ऐसे धागा रखेंगे, धागा हमें बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसी तरह धीरे धीरे करके आईब्रो का शेप बनाना है। तो यहाँ पे बाल है, इसको हम निकाल रहे हैं, इसको ऐसे निकाल लेना है, और जो एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं उनको ही हम यहाँ पे निकालेंगे। और यहाँ पे हम जो छोटे छोटे बाल हैं उनको भी ऐसे साफ कर देंगे धागे से बाद में। तो यहाँ पे मैं ये बाल निकालूँगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आईब्रो बन गई हैं, और बहुत ही अच्छे से आईब्रो का शेप आया है, आप देख सकते हैं, और ज़्यादा पतली नहीं बनी है, और बहुत ही अच्छे से आईब्रो का शेप आया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से सरल तरीके से आईब्रो बनाएंगी धीरे धीरे, तो आप भी आईब्रो बहुत ही जल्दी बनाना सीख जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आईब्रो करने के बाद यहाँ पे हम आईब्रो पे एलोवेरा जेल लगाएंगे, जिससे कि जो स्किन पे कट वगैरह लग जाता है कभी कभी, या स्किन रेड हो जाती है, तो एलोवेरा जेल लगाने से स्किन सही हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है, और यहाँ पे हम आईब्रो पे एलोवेरा जेल लगा देंगे, एक दो मिनट अच्छे से एलोवेरा जेल से मसाज कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसे मसाज करना है, यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल से आईब्रो पे मसाज कर दिया है,
और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आईब्रो बनके रेडी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा आईब्रो करने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।